नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान और आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज। खबरों के क्रम में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गोना में अपराध और अपराधियों की रोकथाम व मोटरसाइकिल चोरों वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस अधीक्षक गोंडा शैलेश कुमार पांडे ने जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक थाना अध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में मनकापुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। प्रभारी निरीक्षक मनकापुर में हमराह फोर्स के संदिग्ध व्यक्ति वाहन की चेकिंग में मायूर थे, तभी मुखबिर की जानिब से खबर मिली कि सरफाबाद जंगल में कुछ लोग मोटरसाइकिलों के इंजन को खोल रहे हैं और कुछ मोटरसाइकिलें एक लोडर गाड़ी में लदी खड़ी हैं, जिनको कहीं ले जाने की फिराक में है, जो कि चोरी की भी हो सकती है। सूचना पर पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंचकर दबिश देकर उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की उपरोक्त बरामदी की गई है। जमानत तलाशी के दौरान अभियुक्त राजेश पांडे व ताहिर अली के पास से एक एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर, एक एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, अभियुक्त राजकुमार व अभियुक्त राजन उर्फ शांति विजय शुक्ला के पास से एक एक अदद नाजायज चाकू बरामद हुआ है। पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि इनका एक संगठित गिरोह भी है, जिसका सरगना राजेश पांडे उपरोक्त है, जो गिरोह के सदस्यों से जनपद गोंडा व आसपास के क्षेत्रों से मोटरसाइकिलों की चोरी करवाकर उनके नंबर प्लेट बदलकर दूसरी जगहों पर अच्छे दाम में बेच देता है। पूछताछ से अभियुक्तों ने थाना मनकापुर को खाड़े में मोटरसाइकिल चुराने की बात स्वीकार की है। गिरफ्तार अभियुक्तों को अदालत में पेश किया जाएगा। गोंडा से केपीपीएन न्यूज ब्यूरो कल्प राम त्रिपाठी की रिपोर्ट। मनकापुर जनपद गोंडा सीओ तरफगंज साहब के निर्देशन में मनकापुर पुलिस ने चोरी मोटरसाइकिल चोरी में संलिप्त चार अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। इसमें राजेश पांडे है, राजन शुक्ला है, ताहिर अली है, राजकुमार है। ये सभी चारों अभियुक्त जनपद बस्ती के रहने वाले हैं और ये जनपद गोंडा में मनकापुर और खुड़ारे में ये मोटरसाइकिल चोरी और बेचने का अपराध कर रहे थे। इनको असरफाबाद जंगल में इनके मोटरसाइकिल खोलने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर इन्होंने उनको गिरफ्तार किया और उनकी निशादेही पर 9 मोटरसाइकिल बरामद की है चोरी की। एक लोडर है और 5 इंजन चोरी के मोटरसाइकिल के खुले हुए इनसे बरामद किए गए। ये साथ ही इनके 2 अभियुक्तों के पास असलहे मिले हुए 2 और 2 के पास चाकू भी था। इन चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और जो मोटरसाइकिलों को चोरी करना, नंबर प्लेट बदलना, उनमें नंबर प्लेट में जो कूटरचित तरह से तैयार करना, इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करके उसमें कार्रवाई की जा रही है। सर, ये गाड़ी जो है कहाँ सेल करते थे? ये जो अभी विवेचना के दौरान इस चीज़ पे स्पष्ट होगा। फिलहाल जो मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, ये इनके द्वारा कई इंजन तोड़ करके कबाड़ियों को बेचा जाता था, कुछ और भी लोगों को बेचा जाना बताया गया है। इस संबंध में गहराई से जांच पड़ताल की। इस पर इनाम भी दिया गया। सर, चोरी के अलावा क्या लूट की भी घटना को अंजाम देते थे, इस तरह का भी कुछ? फिलहाल अभी इनका जो मुख्य काम जो है मोटरसाइकिल चोरी करना और उनको बेचना और उसको खुर्दबुद करना, इंजन काट के मोटरसाइकिल काट करके बेचवाना, ये बात प्रकाश में आई है फिलहाल। और चूंकि अंतर जनपदीय गिरोह है और इसको और गहराई से और भी आपराधिक इतिहास है सर इनका, और पता लगा रहे हैं विवेचना से जो भी तथ्य पता चलेंगे आपको बताया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान और आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज। खबरों के क्रम में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की।